दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको मोबाइल फ़ोन का एक सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताएंगे। आपने देखा होगा आपके दोस्तों के पास जो मोबाइल फ़ोन है उनके मोबाइल फ़ोन में आपको ये वाला जो बटन है ये आपको दिखाई नहीं देता होगा, या दोस्तों आप जब भी सेटिंग ओपन करते होंगे तो आपको यहाँ पर ये बटन दिखाई देते हैं, या आप इन्हें कह सकते हैं नेविगेशन बार। तो अगर आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ये सीक्रेट सेटिंग चालू कर लेंगे तो आपके जो ये नेविगेशन बार में ये बटन दिखाई दे रहे हैं ये आपके हाइड हो जाएंगे, छुप जाएंगे, और फिर आपने मोबाइल फ़ोन में साइड से इस तरीके से आप बैक कर पाएंगे। यहाँ से आप साइड से जब करेंगे तो आपका बैक हो जाएगा, और इस तरीके से करेंगे तो आपका पूरे तरीके से होम पेज ओपन हो जाएगा। तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और इस वीडियो के अंदर हम आपको एंड्रॉयड फ़ोन की इसी सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताने वाले हैं कि आखिरकार मोबाइल फ़ोन के अंदर जो नेविगेशन ये आपको बार दिया गया है इसमें अपनी बटन को कैसे छुपा सकते हैं। अगर आपकी बटन यहाँ पर छुप गई हैं तो उन्हें आप कैसे वापस से ला सकते हैं। जैसे अगर आपने कभी इन नेविगेशन बटन को आपने छुपाया है और अब आप उन्हें देखना चाहते हैं फिर से इसी तरीके से, तो आप इन्हें चालू भी कर सकते हैं और इन्हें आप बंद भी कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो ध्यान से देखना होगा तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेटिंग आपको करना होगा और ये सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा वो भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद इस तरीके से आपके मोबाइल का सेटिंग ओपन हो जाएगा। आप यहां पर क्या करेंगे, सर्च बार पर लिखेंगे, यहां पर आपको टाइप करना होगा सर्च बार। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको टाइप करना होगा नेविगेशन। तो हम यहां पर टाइप करते हैं नेविगेशन। जैसे आप नेविगेशन टाइप करेंगे तो आपके सामने दो सेटिंग आएगा, एक डिस्प्ले और नेविगेशन बार, और एक आ जाएगा नेविगेशन बार और नेविगेशन टाइप। अब यहां पर नेविगेशन बार पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर देखेंगे आपको ये सेटिंग मिलेगा नेविगेशन बार का। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे के सारे नेविगेशन के गेस्चर निकल के आ जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर अपने बटन का ऑर्डर जो है उसे आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे अभी यहां पर आपका मेनू बटन है, यहां पर आपका होम बटन है, यहां पर आपका बैक बटन है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, अपना बैक बटन इस लंग लाना चाहते हैं और मेनू बटन इस लंग लाना चाहते हैं, तो आप यहां पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका जो बटन है नेविगेशन बटन वो आपस में चेंज हो जाएगा, बैक बटन यहां से यहां आ जाएगा और आपका मेनू बटन यहां से आपका यहां पर आ जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके बटन छुप जाएं तो आपको यहां पर करना क्या होगा, स्वाइप गेस्चर का एक विकल्प दिखाई देगा, अब आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब यहां पर आप देखेंगे कि आपके बटन यहां से हो चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब अपने मोबाइल फोन की साइड से आप बैक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि आप यहां से साइड से अपने मोबाइल फोन को बैक कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो यहां पर आपका यह विकल्प दिखाई देगा, अब यहां से बैक करेंगे और आपका पूरी तरीके से यहां से बैक हो जाएगा। अगर आप अपने होम पेज पर आना चाहते हैं तो यहां पर आपको यह एक बटन दिखाई देगा, अब आप इस तरीके से कर देंगे आपका पूरी तरीके से होम पेज आ जाएगा। अपना रिसेंट बार निकालना चाहते हैं तो आप यहां से अपना उंगली रखेंगे और इस तरीके से लॉन्ग करेंगे तो यहां पर आपका सारा का सारा नेविगेशन बार निकल के आ जाएगा कि आपने क्या क्या ओपन किया है। तो है ना कमाल का सीक्रेट सेटिंग, जो अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर इसे चालू करके अपने नेविगेशन को पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपके मोबाइल फोन का जो चलाने का तरीका है वो भी आपका बदल जाएगा। और बहुत ही अमेजिंग लगता है जब आप किसी के सामने इस तरीके से बैक करेंगे, इस तरीके से आप इसे कट करेंगे, कमाल का सेटिंग जो मैंने आपको बता दिया है। तो आप अपने मोबाइल फोन के जाएंगे सेटिंग में, यहां पर आप क्लिक करके सर्च बार पर क्लिक करेंगे, यहां पर नहीं मिलता है तो आपको यहां पर डिस्प्ले पर आना होगा। डिस्प्ले पर आने के बाद यहां पर आपको एक बटन दिखाई देगा, अभी आपको दिखाते हैं। यहां पर आपको एक बटन मिलेगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक मिलेगा नेविगेशन बार, ये है। अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो वही आपका सेटिंग यहां से भी आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही।